यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी, नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जाने का कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। देर हो जाएगी बड़ी जिंदगी खड़ी दो घड़ी, ज्ञान की रोशनी में देख खुशियाँ राहों में खड़ी, पल हाथों से जाए ना बीते पल ये आए ना, बात है ये पत की तेरे ही बल की, सुन मेरे साथी चल साथ मेरे तू सारे जलाए ज्ञान की बाती। नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी, ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। बस बस तू बीच में मत बोल गंगू भाई, मुझे पता होना चाहिए कि पप्पू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, जमाना कितना खराब है। तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? आपने मुझे कब समझा है, कल यहीं रखे थे ना 15 रुपए, कहीं आपने तो नहीं लिए ना? प्लीज बोलकर अपनी जान छुड़ा लेते हो, मगर करते वही हो जो तुम्हें पसंद होता है। मैं ये खत पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। ऐसा मत करे, मेरे रिलेटिव का है। कितनी बार कहा है तुझसे कि थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू कर दे। पप्पू कल आपके घर नहीं आया था? चंचल दिमाग है पप्पू का, पता नहीं हर वक्त कुछ और ही सोचता रहता है। वैसे अगर पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान दे तो पप्पू इंटेलिजेंट है, मगर वो सर्कस देखने गया था हमसे झूठ बोलकर। सर्कस देखने गया था, लेकिन इतने पैसे? कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे समझ जाएगा। नहीं, सब कुछ करके देख लिया, कितना समझाया, इतने मौके दिए, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, सब कुछ, मगर झूठ नहीं, ना मैं बर्दाश्त करूंगी ना धर्मेश। घर चला गया तो बहुत मार पड़ेगी। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा। लड़के ने तो मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है, इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक इस नालायक का कोई पता नहीं। आ जाएगा भाई, मैंने मोहन को पूछा, मोहन बोला कि वो हमारे साथ नहीं आता। अरे तो बबलू को पूछना था ना गंगू भाई। बबलू तो क्लास में ही गया होगा ना। हाँ, डिंकी को पता होगा, भैया डिंकी के साथ ही आते हैं। एक काम कर, तू जाके डिंकी को पूछ के आ। हाय भाई, मैं आप ही पूछ के आती हूँ। लड़के यहाँ क्या कर रहे हो? आपने मुझे पहचाना नहीं? हाँ हाँ, बात क्या है? मैं राजू अंकल से मिलने आया था। अब कौन कहाँ है कुछ पता नहीं है। ए मुत्तू, मेरा काम किया नहीं, जाता जी। क्या जाता, एक रात सिर के पिंजरे बंद कर रखे हुए, चल जा।
आंटी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब तो जा रहे हैं। आंटी है ना? हेलो बाबू, राजू अंकल तो तुमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे। कहाँ हो गए राजू अंकल? वो तो उस हरे टेम्पो में जा रहे हैं। जल्दी जाओ, दौड़ो मत नहीं तो गिर जाओगे। कामने? क्या हुआ? पप्पू अभी तक घर नहीं आया। धर्मेश टिकली कहाँ? वो आया था। अगर वो आया था तो फिर घर क्यों नहीं आया? हो सकता है उसने आपकी बात सुन ली हो। ये वाटर बॉटल उसी की है ना, मुझे सीढ़ियों पर मिली। तब तो वो जरूर आया होगा। मम्मी भैया घर क्यों नहीं आए? आप बहुत गुस्सा हो गए थे मेम साहब, कहीं डर कर पप्पू। अरे नहीं, जाकर कहाँ जाएगा पप्पू? अजीब लड़का ये, पता नहीं कहाँ चला गया होगा। पहले उसे घर तो आने दिया होता, तुमने पहले बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब उसने काम भी तो ऐसे ही किया था ना, झूठ बोलना चोरी करना अच्छी बात है क्या? अरे उसे समझा लेती, डांट लेती, लेकिन पहले घर तो आने देती। यानी दोषी भी मैं ही हूँ? अब बाल की खाल मत निकालो, पहले हमें पता लगाना चाहिए वो गया कहाँ है। हमें सोसाइटी के मेंबर से पता लगाना चाहिए, किसी ने तो देखा होगा उसे। मैं चौकीदार से पता लगाता हूँ। चौकीदार तो कभी दिखता ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो गंगू, तुम जाकर देखो किसी घर तो नहीं गया वो। जी सर। मैं जाकर चौकीदार से मिलता हूँ। अच्छा सुनो, तुमने पप्पू को देखा? पप्पू? आपका पप्पू? हाँ हमारा पप्पू, तुमने देखा कि नहीं? साहब मैं तो अभी अभी नए ड्यूटी पर आया हूँ। तो तुमसे पहले कौन था ड्यूटी पर? राम शरण, वो तो आज ड्यूटी पर आए ही नहीं। अरे भाई किसी को तो ड्यूटी पर होना चाहिए ना, किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम लोग? देखिए साहब आप खाम खा हमारे पर नाराज हो रहे हैं। बेकार में नाराज हो रहा हूँ? बकवास करते हो तुम, इडियट कहीं के। हे भगवान, कहाँ गया होगा पप्पू? मम्मी भैया कहाँ गए? आ जाएंगे बेटा, अब किसी दोस्त के घर गए होंगे। आप थोड़ा धीरज रखे कामिनी जी। कैसे धीरज रखूं शिवानी, कैसे? पता नहीं कहाँ गया होगा। हेलो। हाँ कामिनी जी, मैं दामले बोल रहा हूँ, ये धर्मेश कहाँ है? एक मिनट। कौन है? दामले जी। हाँ सर। क्या बात है धर्मेश, कामिनी जी रो क्यों रही है? सर पप्पू स्कूल से सोसाइटी तक तो आया लेकिन घर नहीं आया, हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। What? Do you need any help? मैं अभी आया। सर आप? अरे डोंट बॉदर, वो जाएगा कहाँ? शहर का चप्पा चप्पा ढूंढ मारेंगे। मैं अभी आता हूँ, डोंट वरी। ओके सर। राजू अंकल। पप्पू तुम यहाँ? तुम यहाँ कैसे चले आए? मुझे आपके साथ चलना है अंकल। पागल हो गए हो तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ अंकल, मुझे आपके साथ रहना है। ये क्या कह रहे हो? मैं किसी को क्या जवाब दूंगा, तुम्हें वापस जाना होगा। वापस कैसे जाऊंगा, हम तो बहुत दूर आ गए हैं ना। कमाल करते हो, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मेरा कोई नहीं है अंकल। अब हम कहाँ ढूंढेंगे उसे धर्मेश? तुम पहले रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है। हमारा पप्पू। ओह प्लीज, देखो पप्पू को किसने किडनैप नहीं किया, वो खुद गया, और जाकर वो कहाँ जाएगा? ये बबलू पप्पू की क्लास में पढ़ता है ना। मैं भी आता हूँ। मम्मी भैया। मम्मी देखो पप्पू। पप्पू तुम यहाँ कैसे? अब से हम जहाँ ये वहाँ। पप्पू
पप्पू का पता चला कामिनी जी? डोंट वरी, ऊपर वाला बहुत दयालु है, पप्पू जरूर मिलेगा। आप आ गए सर? यू डोंट वरी, हम पप्पू को ढूंढने चलते हैं, चलो। हाँ सर, ये अतुल है, हमारी सोसाइटी में रहता है और पप्पू के बहुत से दोस्तों को जानता है। कामिनी एक काम करो, कुछ फोटोग्राफ्स ले आओ पप्पू के। अतुल तुम ना वहाँ जाके सब जगह पता लगाओ, मंदिर के पास, गार्डन के पास। सर हम चले? हाँ, हमको पुलिस में भी इन्फॉर्म करना होगा। पुलिस में सर? अरे पुलिस वाले रेडियो टीवी पे सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक काम नहीं सर, एक फोटोग्राफ हम ले लेते हैं। हाँ है? ठीक, बाकी के तुम ले जाओ। चले सर, चले आओ सर। आंटी, ये पप्पू के डैडी है। जी नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम धर्मेश गुप्ता है। मेरा बेटा आपके बेटे केतन के साथ पढ़ता है। अच्छा। केतन है घर पर? जी हाँ। केतन, केतन क्या बात है भाई साहब? देखिए मेरा बेटा घर नहीं आया है। बेटा ये पप्पू के डैडी है। बेटा आपने पप्पू को देखा था? हाँ वो आज स्कूल तो आया था। बेटा स्कूल के बाद? स्कूल के बाद पता नहीं, मैं घर बस से आता हूँ, वो चल के जाता है। बेटा उसके बाद कोई फोन आया था तुम्हें उसका? दीपू पप्पू का खास दोस्त है, उसे आया होगा तो पता नहीं। दीपू का फोन नंबर मालूम है तुम्हें? बताओ। 639-5670। रहता कहाँ है दीपू? पता? अच्छा आपका नंबर? 620-620-5329-5329। अच्छा भाई साहब, जैसे पप्पू का पता चले मुझे जरूर बता दीजिएगा। जी अच्छा जी, शुक्रिया। नमस्कार। आओ बेटा। भाभी जी आप चिंता मत करिए, पप्पू आ जाएगा। आ ही जाएगा, बहुत अच्छा लड़का था पप्पू, हर किसी की बहुत इज्जत करता था। और हम लोग तो आपके साथ ही हैं, हाँ? जरा एरिया में चक्कर लगा के आते हैं। हाँ। चलिए दवे जी। चलिए। मामिनी जी कहीं को डांटा पर तो नहीं दी थी आपने पप्पू को? आजकल के बच्चे के बहुत खराब है, फिल्मों का असर है, न जाने कैसे कैसे सीरियल बताते हैं, उसी में बिगड़ जाते हैं बच्चे लोग। हाँ वो पांडे जी का लड़का था ना विवेक, 16 साल का जवान, बाप ने क्या एक थप्पड़ मार दी, तालाब में छलांग लगा दी, बेटे की जान गई और बाप की इज्जत। आजकल बड़ा खराब टाइम चल रहा है। मम्मी तो ताक में रहते, घर से भागे हुए लड़कों को न जाने क्या क्या सहना पड़ता है। ये क्या बात बोल रही है आप लोग? अपना तजुर्बा बता रही है भाई। इसकी इस वक्त कोई जरूरत नहीं है, देखती नहीं आप मेरे सब कितनी परेशान है। आइए दवे साहब, पान उन खा कर आते हैं। हाँ वैसे भी पप्पू कोई कम खुराफाती नहीं था, बड़ा मुंह चढ़ा था वो। कमाल है दवे साहब, आप तो अंदर कुछ और ही कह रहे थे। अरे तसल्ली देनी पड़ती है मिश्रा जी, मैं तो जानता था कि ये कोई ना कोई खुराफाती जरूर करेगा। हाँ उस दिन वो सत्यनारायण की पूजा हो रही थी ना। हाँ। वो लड़कों से कह रहा था कि रात को सिनेमा देखने जाएंगे चुपके से, किसी को पता भी ना चले। अच्छा। हाँ। और धर्मेश जी बेचारे सीधे साधे और पप्पू महा खुराफाती, और वैसे भी वो जाएगा कहाँ, कल सुबह आ जाएगा। चलो पान खाते हैं, मसाला डालते हैं। चलिए चलते हैं। नहीं नहीं पाटिल, ऐसे नहीं चलेगा, तू मुझे इन्फॉर्म करते रहना। हाँ क्या बकवास सवाल कर रहा है तू मेरे से? मेरे को 2 घंटे के अंदर पूरे इन्फॉर्मेशन मिलना मांगता, समझा क्या? बढ़िया। तो जी मेरा नाम धर्मेश गुप्ता है, मेरा बेटा। एक मिनट, हेलो, तेरे को बोला ना तू मेरे को फोन करना तो पूरे इंफॉर्मेशन के साथ फोन करना, समझा क्या? हाँ हाँ जी धर्मेश गुप्ता जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ वो सर मेरा बेटा वो। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ हवलदार पाटिल को भेज दिया है, मुझे 2 घंटे के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं नहीं वो बहुत काम का आदमी है। यस हाँ जी बोलिए धर्मेश गुप्ता जी। पहले आप अपना फोन अटेंड कर लीजिए, मेरा ध्यान आप लोगों की तरफ भी है। वो तो हम देख रहे हैं,
काहे को डिस्कशन बढ़ा रहे हो साहब, मैं टाइम पास नहीं कर रहा है। आपको बता रहे रीकू भाई ज्वेलर्स क्या डकैती पड़ गया है और डकैत को पकड़ने के लिए हमने फील्डिंग लगा रखी है, समझे आप लोग? हाँ बोलिए आप। इंस्पेक्टर साहब, इनका बेटा अमर जी पप्पू आज शाम से लापता है। ओके, आपने क्या नाम बताया? जेब। पप्पू और वो स्कूल यूनिफॉर्म में है, 13 साल का है। वो स्कूल से ही नहीं आया आज। अच्छा अच्छा, ये उसके फोटोग्राफ्स। ओके, आप एक काम करिए, आप इस पे ना नाम पता और फोन नंबर लिख दीजिए, मैं देखता हूँ। एक बात बताइए जी, कहीं घर में या स्कूल में पप्पू के साथ कोई ऐसी बात, मेरा मतलब कभी कभी पेरेंट्स के डर से बच्चे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, जाने अनजाने में कोई ऐसी बात। जी ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं समझा नहीं। तो क्या कारण हो सकता है गुप्ता साहब, याद कीजिए। देखिए मैं आपकी बात नहीं समझा हूं। गुप्ता जी एक काम कीजिए, जब आपको याद आ जाए ना तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका पप्पू आपके हवाले कर दूं। ओके सर, बस थोड़ा आप सब्र रखिए। ओके सर, ओके। हाउ धर्मेश, मैं जी नहीं पाऊंगी, अगर मेरे पप्पू को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं बोलने का मैम साहब, ऐसा नहीं बोलने का। धीरज रखने का मैम साहब, पप्पू जरूर आएगा, जरूर आएगा पप्पू। भला बेटा अपने माँ को छोड़ के कभी रह सकता है? पप्पू का कुछ पता चला घर में? देखो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी अतुल को हमने छोड़ा है और अतुल पप्पू के सब दोस्तों के घरों के आया है। कामरेज जी चिंता मत कीजिए, पुलिस छानबीन कर रही है, रेलवे स्टेशन, टीवी और रेडियो सब पे न्यूज फ्लैश हो जाएगी, पप्पू जरूर मिल जाएगा। देखो तुम थोड़ी हिम्मत रखो। कैसे हिम्मत रखो, कैसे? पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ गया, किस हाल में होगा, कुछ खाया होगा भी कि नहीं। मिल जाएगा। कब मिलेगा दरवेश, कब मिलेगा? 6 घंटे हो गए, 11 बज गए। देखो काम ही हम कोशिश कर रहे हैं, दामले साथ भी मेरे साथ घूम रहे हैं, हम सब जगह जा रहे हैं, अतुल भी पता करने गया है। और... मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। सुनो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। काम नहीं, काम नहीं, काम नहीं, काम नहीं, काम नहीं, काम नहीं, सर जरा जल्दी कीजिएगा, काम नहीं। मैम मैं एक फोन कर लूं? हेलो। हाँ रोहिणी, कहाँ है आप? 4 घंटे से एक फोन तक नहीं किया आपने। मैं धर्मेश के साथ हूँ, पप्पू का अभी तक पता नहीं चला है। अरे देवा, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, ऊपर से वो कामनी जी की भी तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। हे भगवान, दीदी माई सबने कैसे बर्दाश्त कर सकती है। और सुनिए आप अपना ख्याल रखिए, मैं आ जाऊँ। तुम आओगी? कैसे बात कर रही, मैं फौरन आती हूँ। तो ठीक है, तुम आ जाओ, डॉक्टर कोटनेस मेमोरियल हॉस्पिटल, एसवी रोड पे। एसवी रोड पर? अब पूछ लोगी तो पता चल जाएगा। मैं 10 मिनट में पहुँचती हूँ। ठीक है, थैंक यू मैडम। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात पूरी समझ रहा हूँ, लेकिन पप्पू का कहीं पता नहीं चल रहा। डॉक्टर साहब, ये दामले साहब हैं, मेरे सीनियर हैं। ठीक है, जस्ट कम। अब बैठो। कैसी है कामनी? दामले साहब, अब और सहा नहीं जाता, आखिर मैं भी तो इंसान हूं।
धर्मेश, के कारण बेहोशी है। मैंने उन्हें नींद के इंजेक्शन दिया है, बट शी मस्ट टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स। बाद में देखते हैं। डॉक्टर साहब, उसने बहुत बर्दाश्त किया है। जिस माँ का बच्चा लापता हो जाए वो। डॉक्टर साहब, ये है मेरी पत्नी रोहिणी। हेलो। ये कामनी के पास रहेंगे। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। जरूरत पड़ेगी तो मैं फौरन आ जाऊंगा, बट चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ मेंटल स्ट्रेस है। ओके ओके धर्मेश, बाय। धर्मेश साहब, पता नहीं कहाँ होगा पप्पू और किस हाल में होगा। सब कुछ बिखर सा गया है। रिलैक्स रमेश जी, सब ठीक हो जाएगा। और क्या हाल बना लिया है आपने? आपको तो बहुत मजबूत रहना है। कामिनी और मिनी को तो बस आप ही का सहारा है धर्मेश जी। धर्मेश, जिंदगी में ऐसी मुश्किलात तो बहुत आती रहेंगी। उसे ऐसे घबराते रहोगे तो जीवन कैसे चलेगा। मैं मानता हूं कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। मैं उसे बांट नहीं सकता, बस उसे महसूस कर सकता हूं। और धर्मेश, हमें अभी पुलिस स्टेशन चलना है और कामनी के मम्मी डैडी को भी फोन करना है। रिलैक्स। भोसले को बोलो रेलवे स्टेशन पर नजर रखे। हाँ पता है, 5 हवलदार भेज दो। जो मैं कह रहा हूं वो करो, अपना दिमाग बाद में लगाना और मुझे 1-1 घंटे की इंफॉर्मेशन देते रहना, समझे? सर कोई खबर? हम कोशिश कर रहे हैं सर। कोशिश कर रहे हैं? और हम कर भी क्या सकते हैं। हमने इस काम के लिए 60 हवलदार और 2 सब इंस्पेक्टर लगा रखे हैं। थोड़ा वक्त तो लगेगा, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। तभी तो आपसे कह रहे हैं थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। सर रात के 2 बज रहे हैं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली आपको। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरे हाथ में जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, कल तक रेडियो और टीवी पर इसकी खबर भी आ जाएगी। अब बताइए आधी रात के वक्त मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सर आप समझने की कोशिश करिए। हम पुलिस वाले भी इंसान हैं। गुप्ता जी पर क्या बीत रही होगी ये मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ। सर मेरा विश्वास कीजिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको तुरंत खबर करेंगे। आओ धर्मेश, चले। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। आओ धर्मेश।